जैसे दिख रहे हैं जी, और इनके दाम में इसमें और इसमें तो 1000 रुपए का अंतर जी, क्या अंतर है? नमस्कार, इंडियन पॉपुलर कोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम आए हैं रेडियंट फैशन पर। फर्रुखाबाद में ये दुकान है। अगर आप फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले, तो ठंडी सड़क जो बोलते हैं वहाँ पर हैं। और ये हैं हमारे दोस्त ललित, और इनको हम कई सालों से जानते हैं, जब इन्होंने ये नया शुरू किया। तो इसमें हमने इनसे पूछा कि एक ही ब्रांड की जो कॉपीज़ मिलती हैं या सब देखने में एक जैसी लगती हैं, कुछ जूते महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, ये बताने वाले हैं। जो सामने जूते हैं ये सारे कॉपीज़ के नाम पर बिकते हैं, और अगर आप देखिए सफ़ेद रंग के 3 जूते हैं, तीनों पर नाइकी का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर ये ब्लू शेड में 2 जूते हैं, दोनों पे नाइकी लिखा हुआ है, एयर जॉर्डन, एयर मैक्स, और ये ब्लैक कलर के। लेकिन इन सब की कीमत क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वालिटी कैसे फ़र्क है और कैसे पहचान है। तो सबसे पहले इनकी कीमत क्या है, सफ़ेद वाले 3 की? ये है 1949 का है और इस पर 10% लेस है। ये 1949 पर 2000 रुपए के आसपास ये बिकता है। ये फर्स्ट कॉपी है, ये फर्स्ट, ये लेस करके 1754 रुपए की पड़ती है 10% लेस करके। ओके जी। और ये, ये हमारा है 1849 का, और इसमें भी लेस हो जाएगा? जी जी, इसमें भी लेस होगा 10%, और ये पड़ती है 1664 रुपए की। 1664 मतलब ये मतलब 1500-1600 रुपए के बीच। हाँ, 1600 रुपए का, ये लगभग 2000 रुपए का। आप ये लोगों से पहचान सकते हैं। और ये तीसरा वाला, ये है तीसरा वाला, ये भी नाइकी का ही है, ये 2995 रुपए का है, और इस पर हम 20% लेस देते हैं, और ये बिकता है हमारा 2400 रुपए का, 2396 का। यानी इसमें और इसमें 1000 रुपए का अंतर है, जबकि दोनों जूतों का रंग और मॉडल लगभग एक है। लगभग एक है। और ये दोनों, ये 1499 का है, और ये लगभग हम 1350 का बेचते हैं। ये इन सबसे सस्ता है? जी जी। ये 2449 का है, इस पे हम 20% लेस करके लगभग 2000 के आसपास बेचते हैं। 2000 के आसपास। और ये दोनों, ये वाला 2899 का है, और हाँ ये और महंगा है, इस पे भी 20% लेस हो जाएगा। और ये भी, ये 2995 का है, इस पे लगभग वही 2400 रुपए का पड़ेगा ये। ओके, तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि 3 जूते जो एक जैसे दिख रहे हैं जी, और इनके दाम में इसमें और इसमें 2000 रुपए का अंतर जी, क्या अंतर है? देखिए ऐसा, ये तो पहली बात तो ये आर्टिकल के हिसाब से रेट होता है। जो राइट सबसे ज़्यादा बिकने वाला जूता है, और इसमें आप ये लोगों से पहचान सकते हैं, ये सेकेंड कॉपी है। आप इसके इसको देखिए, इसके लोग, इसका लोगो चेंज है, ये फर्स्ट कॉपी है, और इसी का ये है थर्ड। थर्ड वाले की क्वालिटी भी बेहतर है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आती है ना ही इसमें, लेकिन ये भी बेस्ट है। मतलब अपनी अपनी रेंज हाँ, के हिसाब से है, लेकिन अगर आप कॉपी पहचानना चाहते हैं जी जी, असली है, नकली है या कॉपी है, तो कौन से नंबर की कॉपी है? तो ये थर्ड है। ओके, तो इसमें जो लोगो है, इसमें ये, ये फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है इसका, जो इसमें 2 रंग का लोगो है जी जी, नीले रंग में, और इसमें लाल रंग से लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ जो मुझे अंतर दिख रहा है वो ये है कि इसमें जो नाइकी का लोगो है उसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें ऊपर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है। इसमें थोड़ी सी बेहतर है, मतलब इसमें भी बिल्कुल फिट नहीं है नाइकी का लोगो, लेकिन दूसरा इसमें मैट का भी है। हाँ, जो मैट लगी हुई है इसमें, अगर दोनों को अगल बगल रखेंगे तो दिखेगा आपको कि इसका रंग थोड़ा सा सफ़ेद वैसा है, उतना सफ़ेद नहीं है जितना ये सफ़ेद है। और इसमें नाइकी का लोगो तो हमें केवल यहाँ पर है, केवल वहाँ लगा है, दिख ही नहीं रहा है। तो ये सबसे सस्ती कॉपी है, ये उससे महंगी कॉपी, और ये उससे महंगी कॉपी। और अब हम आते हैं इस पे जो सबसे महंगा, इस सफ़ेद वाले में, इसमें थोड़ा सा आर्टिकल भी ये चेंज है, ये जो राइट नहीं है ये दूसरा आर्टिकल है। हाँ, लेकिन इसमें फिर भी जो लोगो फिनिशिंग अच्छी है, फिनिशिंग उसकी बेहतर है। तो अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो इस इन दोनों की फिनिशिंग में देखिए, इसमें लोगो सही से फिट नहीं है, इसमें लोगो लगभग फिट है। और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जो सबसे महंगा वाला आपका मॉडल है, ये इसमें, इस पर एक तो हाथ में लेके समझ में आ रहा है कि इसकी क्वालिटी लाइट वेट है, ये वजन भी काफ़ी हल्का है, वजन में काफ़ी हल्का है, और फिनिशिंग हाथ में से टच करते हैं तो समझ में आता है कि ये अच्छा। इसमें लोगो जैसे ये जो बना हुआ है बिल्कुल फाइन, और ये बना हुआ है तो ये है, अमेरिका से अगर जो ओरिजिनल होता होगा उसकी क्वालिटी फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी होती होगी। जिसमें ये नाइक का एयर 27C आर्टिकल है, 27C नाइक, ये मॉडल नाइक का ओरिजिनल भी आता होगा। अच्छा, इसके अंदर ये लगा हुआ है इसका, इस शूज में काफ़ी कलर आते हैं, मेरे पास लगभग 4 कलर हैं इसके।
और इसके अंदर नहीं है, इनके अंदर मेरे ख्याल से इसके अंदर देख, इसमें देख, इसके अंदर नाइकी का ये लगा हुआ है साइज जो है, और ये इसके अंदर माय एयर लगा हुआ है, नाइकी नहीं लिखा हुआ है। ये नाइक का 72 सी। ये कितने का है? ये है 2900 रुपये का है, लगभग 2300 का बेचते हैं। ओके, तो मतलब इसमें वही बात है कि सबसे पहले तो आप फिनिशिंग देखिए, लोगों की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर अंदर इसमें दिख रहा है कोड, वो अच्छा है काफ़ी, और इसके लोगों की फिनिशिंग देखिए ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो अगर आपको कॉपी भी मिल रही है कहीं पर तो आप उसको देख के पता कर सकते हैं ओरिजिनल है या कॉपी है, और कॉपी है तो कितना उसमें अंतर है। जी, बाकी कॉपी बेस्ट है, आप ओरिजिनल पहने और कॉपी पहने आपको विशेष अंतर नहीं पता चलेगा, पहनने पर ही आप पता कर सकते हैं, सामने रखा हो तो आप नहीं जान सकते। पहनने में जो कंफर्ट है वो ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रहेगा। जी जी जी, कॉपी का फिर भी ये लगभग आपका 1.5 साल चल जाता है आराम से, सही से पहने तो 1.5 से 2 साल चल जाता है। ओके, मतलब मजबूती के हिसाब से उसमें भी सब में फ़र्क है। और बाकी हम सोल की वारंटी देते हैं, अगर आपका ये कहीं से भी छूटता है तो हम फ्री में रिपेयर करा के देते हैं, 3 महीने की वारंटी। 3 महीने की। एक बात समझ लीजिए कि हम यहाँ पर उन रिप ऑफ की बात कर रहे हैं, कॉपीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पहचानना चाहते हैं कॉपी कैसी तो उसके हमने तरीके आपको बता दिए। सबसे पहली चीज़ लोगो देखिए, लोगो कितना फाइन है, अच्छा है। दूसरी चीज़ उसमें क्या कहते हैं, बाकी जगहों पर नाइकी का लोगो कितना साफ़ है वो लगा हुआ है, अंदर उसमें टैग लगा हुआ है कि नहीं, उसी के हिसाब से चीज़ें तय होती हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपीज़ भी एक ही रेट की आती, कॉपीज़ भी कई रेट की हो सकती है, आर्टिकल के हिसाब से रेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि नाइकी की कॉपी है तो सस्ती, हो सकता है कोई कॉपी बहुत अच्छी क्वालिटी की हो तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। हमारे पास 5000 तक की कॉपी है लेकिन अभी स्टॉक में नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। ओके, नाइकी मतलब 5000 तक की कॉपी आती है, तो उसका ओरिजिनल कितने का आता है? लगभग वही 30 से 35-40 हज़ार का आता है। मतलब जो ओरिजिनल 40000 का जूता है उसकी 5000 की कॉपी। जी, मतलब अब यही है, ये ओरिजिनल लगभग 12-13 हज़ार का आता है और यहाँ पर 1750 में मिल रहा है आपको। ठीक है, वो अपने अपने बजट के ऊपर है, जिसका बजट हो 1750 रुपये का वो 1700 वाला खरीदे, जिसका 12000 का बजट हो वो क्या। अब वर्क फ्रॉम होम के बाद मेरा तो घर से निकलना ही नहीं होता है इतना कि जूते पहनने की ज़रूरत पड़े। सही बात है। बाकी और सारी चीज़ें हैं दुकान पर, आप बता सकते हैं क्या क्या है? जैकेट है, कपड़े हैं। रेंज क्या क्या रहती है? अगर रेंज नॉर्मल है, ज़्यादा हाई नहीं है आपका, सारा जो पैंट शर्ट वो 1000 से 1500 के बीच में एक जोड़ी बन जाती है, पैंट शर्ट मिला के 1500 के आसपास। जी जी, और बाकी चीज़ें क्या, शेरवानियाँ हैं? शेरवानी है, ब्लेजर है, 5 पीस है, 3 पीस है, 4 पीस भी है अपने, लड़कों के सारे कपड़े। हाँ, मेंस है सारा, मेंस जी, लेडीज़ कुछ नहीं। हाँ, लेडीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको आज ये समझ में आया हो कि कॉपीज़ किस तरह की होती हैं और सबसे सस्ती कॉपी से लेके सबसे महंगी कॉपी तक आप देख सकते हैं वो हैं, इनके बीच के अंतर क्या हैं ये आप पता कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ कभी आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई करें। देखते रहिए इंडियन पॉपुलर कोड। नमस्कार, धन्यवाद।